अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा था कि मेरी गाड़ी जल गई थी ट्रेलर, तो उसका कैबन आपने लेना, तो उसके लिए मैं तरनोल जा रहा था। तो रास्ते में मैं ये रुका हूँ एक सर्विस एरिया के ऊपर, तो ये यहाँ पर हाल देख लें, कोई नाली नहीं है इनके और कुछ जो है ना पानी नहीं आ रहा जिनमें, कुछ में ये शापर वगैरह जो है इन्होंने लगा के बंद किए हुए हैं। ये देखें इस साइड पर सारे वाला जो है ना वो बंद किए हुए हैं, ये सिर्फ एक नाल ये वाला चल रहा है बस, आगे एक का जो है ना वो पानी चल ही रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा, और हैंड वॉश भी नहीं है, वो भी खाली है बिल्कुल। नीचे गंद इतना हुआ है ना, ये देखें नीचे हाल देखें, ये सामने देखें, ये देखें, ये देखें, कोई सफाई नहीं है, कोई निज़ाम यहाँ पर जो है ना वो नहीं है, कोई देखभाल के लिए कोई बंदा नहीं है इनका, कोई यानी कि कोई बंदा हो जो सफाई वाला, यानी कि इधर पता होना चाहिए कि यार इनको, यार इसकी हमने सफाई करवानी, साफ़ सुथरा करवाना है। तो यहाँ से ये फ्रंट वाली जो जगह है ना, ये आगे कारें वगैरह रुकती हैं, तो ये हाल है। पीछे जो ट्रक वाला जो होटल है ना, उसकी हालत आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उसकी मैं वीडियो नहीं वैसे मैं बना सका, तो वहाँ पे उसकी होटल की मैंने हालत देखी है, तोबा तोबा तोबा, वहाँ से फ़ौरन में आगे भागो। ऐसे लग रहा है जैसे किसी जंगल में चले गए हैं हम, वहाँ पर जाके जो है ना हम ये एक सर्विस एरिया बनाओ, ऐसी इसकी हालत है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। ये देखें अब नाश्ता करके निकले हैं जी बाहर, एक पराठा और एक चाय हमने मंगवाई है, हमने कहा जी बस यही दे देंगे, यही बहुत है हमारे लिए। जो इनकी सफाई की बाहर की हालत है, खाने का भी हमने कहा भी इसी तरह की इनकी हालत होगी, ये देख लें हर जगह पे गंद पड़ा हुआ है। तो चले जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ तरनोल में। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।